बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पिंकीज़ कुज़ीन। आइए आज हम बनाते हैं मिलके 5 मिनट हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये मेरी ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, इसका असल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चले आए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट से। तो जनाब, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 अदद अंडा, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, फ्रेश हो या 1-2 दिन पुरानी भी चल जाएगी, 1 स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, कश कीवी चीज़। अब हम इसके लिए पहले तैयार कर रहे हैं बैटर आमलेट के लिए। तो इसमें हमने अंडे में डाली लाल मिर्चें थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक और 1.5 चम्मच जो है टीस्पून का इसमें डाला हॉट सॉस। हॉट सॉस डालें, चिली सॉस डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसको हमने अच्छी तरह स्टर किया, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हल्का हाथ भी नहीं रखना, बस नॉर्मल सा हो जाए। तो ये हमारे पास बैटर तैयार। अब हमने चूल्हे पे फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, मुझे तवे पे इजी लगता है तो मैंने तवा लिया नॉनस्टिक का। इसको मैं अच्छी तरह ब्रशिंग कर रही हूँ, ऑयल की ब्रशिंग की। तो ये मेरी ज़रा चूल्हों पे नज़र मत डालिएगा क्योंकि काम अभी मैं सफाई कर रही थी, तो मेरी बेटी कहती है जल्दी से मुझे बना के दे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ हम अपनी वीडियो भी बना लें। तो ये तवा गर्म है, अब हमने इसको अच्छी तरह ब्रश किया। अब हम इसके ऊपर आमलेट डालने लगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस पर हमने आमलेट डाला। तवा अभी थोड़ा सा ज़रा सही सही गर्म नहीं था और यूं करके हमने इसको फैला लिया। अब हमारा आमलेट 1 साइड से तैयार है, तो हमने इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस ऐसे रखने हैं ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाएं उसके साथ। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने आहिस्ता से साइडें, उसके जो किनारे हैं उसको हमने उखेड़ना है। ये देखें, क्योंकि वो उखड़ नहीं रहे थे तो फिर मैंने वहाँ से और ऑयलिंग की उसकी। ये देखें, इसकी ऑयलिंग की है ताकि उसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से साइड से हट जाएँ दोनों साइड्स पे। जी तो अब ये देखें, इसको पलटा दिया ऐसे। पलटाने के बाद ये इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा प्रेस करके किया ताकि नीचे वाले जो स्लाइस का कलर है ना वो भी जरा सा गोल्डन हो जाए और जो उसके बाहर वाले किनारे हैं वो हमने उसके ऊपर लगा दिए, मतलब ब्रेड के ऊपर ही। ये देखें, जो दोनों साइडों पे बढ़े हुए थे वो उसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से प्रेस कर दिया। अब हमने जो स्लाइस किए हुए टमाटर थे वो उसके ऊपर रखे ऐसे, और जो हमने चीज़ ली थी तो वो थोड़ी सी अब हम इसके ऊपर, ये देखें जो हमने श्रेड की हुई चीज़ थी वो हमने इसके ऊपर डाली। ये चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो ना सही। मेरे पास ना चेडर थी ना मोज़रेला, ये सिंपल जो पिज़्ज़ा चीज़ थी मैंने उसी को क्रश किया और उसके ऊपर डाल दी। ये देखें, ऐसे स्प्रिंकल करना है उसको अच्छी तरह। ये देखें स्प्रिंकल करके, और जो दूसरा पीस था वो हमने उसके ऊपर फोल्ड कर दिया, यूँ फोल्ड करके, और उसको फिर अच्छी तरह से प्रेस किया। थोड़ी सी गर्माइश देनी है ताकि जो चीज़ है वो अंदर अच्छी तरह पिघल जाए और उसके साथ स्टक हो जाए। ये देखें, अब इसको उठा के दूसरी तरफ करना है। कितना प्यारा, कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, सिक गया है दोनों साइडों से अच्छी तरह। ये देखें, अब हम इसको निकालते हैं। ये जनाब, ये आप देख सकते हैं हमने 2 सैंडविचेस बना लिए दरमियान से काट के, और ये कितनी मज़े के लुक है ये जनाब। जी तो ये हमारे पास फाइनल लुक में तैयार। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ फटाफट आपको मिलती रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़।